प्रकृति प्रेमी सुशील तारे की जयंती पर थैंक यू नेचर ने 200 पौधे रोपे। मंडलेश्वर दिवंगत प्रकृति प्रेमी सुशील तारे की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा स्थापित संस्था थैंक यू नेचर के कार्यकर्ताओं और परिजनों के द्वारा मंडलेश्वर के तालाब के पास की भूमि पर 200 पौधे रोपे गए। दिवंगत वन्य जीव प्रेमी सुशील तारे की मां श्रीमती ज्योति तारे, पिता कमल तारे, ताऊ गणपति तारे, संस्था के उपाध्यक्ष अरुण केवट, संरक्षक मनीष कुशवाहा, सचिव मयंक वर्मा, कोषाध्यक्ष अजय वर्मा, रुपेश शर्मा संस्थापक सदस्य एवं पर्यावरण विद दुर्गेश कुमार राजदीप, समाज सेवी जोजू मुरियाडन सहित संस्था के सदस्यों ने पौधारोपण किया। संस्था ने अब तक 19,000 सांप और एक तेंदुओं का किया रेस्क्यू। 19 नवंबर 2021 में दिवंगत सुशील तारे ने क्षेत्र के प्रकृति प्रेमियों के साथ मिलकर थैंक यू नेचर संस्था का गठन किया था। संस्था के उपाध्यक्ष अरुण केवट ने बताया कि संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुशील तारे को सांपों के रेस्क्यू में महारत हासिल थी। उनके द्वारा अपनी टीम को रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने मंडलेश्वर से बाहर भी रेस्क्यू की गतिविधियाँ बढ़ाकर महेश्वर, कसरावत, बड़वाह, धामनोद तक के प्रकृति प्रेमियों को जोड़कर संस्था का विस्तार किया। संस्था ने अब तक 19,000 सांप पकड़कर उनका पुनर्वास किया है। निमाड़ में अब तक 28 प्रजाति के सांप पाए गए हैं। मध्य प्रदेश का पहला सफेद सांप कॉमन करेट, जो सबसे अधिक जहरीला होता है, उसका रेस्क्यू सुशील तारे द्वारा ही किया गया था। सर्प दंश से 30 लोगों का जीवन बचाया। निमाड़ क्षेत्र जहां सर्प दंश की घटनाएं होती रहती हैं, उसको लेकर संस्था ने कई शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। संस्था के रुपेश शर्मा, अजय शर्मा ने बताया कि आमतौर पर लोग सर्प दंश के बाद झाड़ फूक करवाने में समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि सर्प दंश होने के एक घंटे तक का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि समय पर व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। संस्था द्वारा अब तक सर्प दंश से पीड़ित 30 व्यक्तियों की जान बचाने में अपनी भूमिका निभाई है। ये थैंक यू नेचर संस्था है, इसकी क्या गतिविधियाँ हैं ये बताइए। इसकी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में जब भी किसी जंगली जानवर से इंसान का सामना होता है, उस समय पर गांव में आसपास में संस्था का नाम जो है सांपों का रेस्क्यू, जंगली जानवरों को वहाँ से बचाव कार्य करके उनको वापस अपने पर्यावरणीय आवास में छोड़ने का कार्य होता है। और अब तक कितने रेस्क्यू किए हैं आप लोगों ने? अभी करीब संस्था ने 5 वर्षों में करीब 19,000 सर्पों का रेस्क्यू किया है। इसके अलावा और कोई जानवर? इसके अलावा पहले साल में हम लोगों ने करीब 3 मगरमच्छ का रेस्क्यू किया था और एक तेंदुआ रेस्क्यू हुआ था। उसके बाद जंगली सुअर और कहीं ना कहीं ये जंगली सुअर सियार हो गए जो कुओं में गिर जाते हैं, तो उनको संस्था समय समय करीब एक साल में 10-15 के आसपास जंगली सुअर और सियार हो जाते हैं। और अपने क्षेत्र में जो सांपों का जो बड़ा आतंक माना जाता है, सर्प यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? हमारे निमाड़ क्षेत्र में अभी तक हम लोगों ने खोज जो की उसमें 28 प्रजाति के सांपों का सर्चिंग हुई है। इसमें तो विशेष कौन कौन? विशेष उसमें जैसे एक भारत का सबसे जहरीला सांप होता है सफ़ेद कामन करे, पूरा सफ़ेद सांप जो प्रदेश का पहला सांप था, वो भी देश के ज़्यादा संस्था के। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा तो संस्था की गतिविधियाँ स्कूलों में बच्चों को प्रकृति के प्रति उनका जो संबंध स्थापित करना है, ये संस्था का मूल उद्देश्य है। जैसे कोई स्नेक बाइट होती है तो क्या प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए? प्राथमिकता ये रहती है कि उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिले, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, तो उन्हें हम लोग सही मार्गदर्शन करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं हॉस्पिटल में जाके, और अपना एक घंटे के अंदर अगर वो वैक्सीन लग जाती है तो व्यक्ति सही सलामत होता है, वो उसकी जान बच जाती है। तो डॉक्टर भी कहीं कहीं हम लोगों को समय समय बुलाते रहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा सांप काटा, आप थोड़ा देख के बताएं। तो सभी सांप जहरीले होते कि कुछ नहीं? हमारे क्षेत्र में सिर्फ 4 प्रकार के जो सांप है वो उसके ही काटने से लोगों की मृत्यु होती है, बाकी तो ज्यादातर सांप बिना जहर वाले होते हैं अपने क्षेत्र। डिजियाना न्यूज डिमार्ट रिपोर्ट मंडलेश्वर। निमाड की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।